हेलो फ्रेंड्स, तो आपने बॉल पेन कंपैरिजन वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी और काफ़ी स्टूडेंट हमें बोलते रहते हैं कि बॉल पेन की वीडियो लेके आओ। तो आज हम आपके लिए कुछ नए बॉल पेन्स लेके आ गए हैं, तो इन सभी को कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं कि आपको लेने चाहिए या फिर नहीं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। पहले हमारे 5 रुपीज़ में आने वाले बॉल पेन और दूसरे 10 रुपीज़ में। तो 5 रुपीज़ में आपको डॉम्स का ये बहुत ही प्यारा इंक्सीफाई पेन देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा पेन भी डॉम्स की तरफ से ही आता है, डॉम्स का इंस्ट्रा पेन है, ये भी एक बॉल पेन है, 5 रुपीज़ में आता है। और तीसरे पेन हमें टोटम के मार्केट में दिखे थे, टाइसन पेन, तो मुझे ये भी बहुत प्यारे लगे। उसके बाद आ जाती है हमारी 10 रुपीज़ वाली कैटेगरी। 10 रुपीज़ की कैटेगरी में सबसे पहले मुझे मार्केट में दिखा ये फ्लेयर की तरफ से आने वाला चार्जर बॉल पेन, तो मैंने ये भी ले लिया रिव्यू के लिए। अभी इसको देखेंगे कि चलने में कैसा है और वर्थ इट है या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं क्लासमेट के ये स्पिन पेन, तो इसमें आपको कैप में ऐसे स्पिनर देखने के लिए मिल जाता है, इससे भी अभी लिख के देखेंगे। और लास्ट में आ जाते हैं हमारे डॉम्स की तरफ से आने वाले इंक्स ऑन पेन। तो पहले 5 रुपीज़ वाले पेन को यूज़ करके देखते हैं कि वो चलने में कैसे हैं और लुक्स में कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने डॉम्स के पेन ले लिए हैं इंस्ट्रा, तो आप देख सकते हो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज के 10 रुपीज़ वाले पेन को टक्कर देते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे देखने में। तो इसमें आपको कैप भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके बाद हमने इसको ओपन करके देखा, तो आप इसको यहाँ पीछे से ओपन तो कर सकते हो बट रिफ़िल इसकी यहाँ से नहीं निकलती है। उसके लिए आपको रिफ़िल चेंज करने के लिए इसको आगे से ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मली थिन रिफ़िल देखने के लिए मिलती है। तो अगले पेन है हमारे डॉम्स की तरफ से आने वाले इंक्सीफाई पेन। तो ये 5 रुपीज़ में आने वाले काफ़ी ज़्यादा प्यारे पेन है। इसमें आपको ग्रिप भी देखने के लिए मिल जाती है, इसे आप इजीली ओपन कर सकते हो ऐसे। और इसका जो डिज़ाइन और प्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यारा लगा और पेन भी पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी और हैवी सा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टोटम के जो पेन है टाइसन, ये पकड़ने में आपको रबर आइस फील देते हैं और ऐसा लगेगा कि रबर का पेन है बट ये प्लास्टिक का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। इसको भी आप ऐसे ओपन कर सकते हो दोनों साइड से। तो अब इन सारे पेन से लिख के देखते हैं कि क्या ये पेन एग्ज़ाम में ले जाने के लिए वर्थ इट है या नहीं और आप इनसे एग्ज़ाम्स वगैरह में लिख सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमने करी डॉम्स के इंस्ट्रा पेन से। चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेन लगा मुझे ये, इंक फ्लो भी काफ़ी अच्छा है और इंक का कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो उसके बाद हमने इंस्ट्रा ब्लैक वाला भी यूज़ किया बट ब्लू वाले का इंक फ्लो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है ब्लैक वाले से। सो उसके बाद हमने डॉम्स के इंक्सीफाई को यूज़ करके देखा, ये भी चलने में सुपर स्मूथ लगा मुझे, ये मुझे इंस्ट्रा से भी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर दोनों में से कोई एक लेना चाहते हो तो आप इंक्सीफाई ले सकते हो। ओवरऑल दोनों 0.7 mm में आते हैं बट इसमें आपको ग्रिप देखने के लिए मिल जाती है इंक्सीफाई में, तो पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है एग्ज़ाम में या फिर ज़्यादा देर तक अगर आपको लिखना है तो आप इंक्सीफाई ले सकते हो इन दोनों में से। तो अब तीसरा पेन भी यूज़ करके देख लेते हैं, टोटम का टाइसन। सो ये भी चलने में सुपर स्मूथ है और आपको बिल्कुल रबर आइस फील देता है, तो मुझे तो ये तीनों ही पेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे 5 रुपीज़ की कैटेगरी में। आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपनी 10 रुपीज़ की कैटेगरी की तरफ। तो 10 रुपीज़ में सबसे पहले मैंने लिए हैं डॉम्स की तरफ से आने वाले इंक्स ऑन पेन, जो कि लुक्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे। सो आप इसको ऐसे इजीली ओपन कर सकते हो और यहाँ से इसकी रिफ़िल को आप रिप्लेस कर सकते हो अगर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको थोड़ी सी थिक रिफ़िल देखने के लिए मिल जाती है। सो इसके बैक में आप देख सकते हो छोटा सा डॉम्स लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, तो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है इस पेन के ऊपर, मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा। तो अगला पेन है हमारा क्लासमेट की तरफ से आने वाला स्पिन पेन। तो इसका नाम स्पिन इसलिए क्योंकि इसकी कैप में आपको स्पिनर देखने के लिए मिल जाता है, आप ऐसे इसको स्पिन कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। हाँ, संभल के लेके जाना क्योंकि स्कूल में ऐसी चीज़ें फटाफट गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कैप रिमूव की, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ग्रिप देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ग्रिप लग रही है वाइट कलर की। बट ये आपको सेम टू सेम क्लासमेट हुक पेन में भी देखने के लिए मिल जाती है, तो दोनों का डिज़ाइन मुझे काफ़ी सिमिलर लगा, बस दोनों की कैप डिफरेंट है और वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है। सो अगला पेन है हमारा फ्लेयर की तरफ से आने वाला चार्जर बॉल पेन, ये भी हमें 10 रुपीज़ में देखने को मिला था। सो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आपको मिनिमम सा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। इसकी बॉडी आपको मोस्टली ट्रांसपेरेंट ही दिखेगी, पीछे थोड़ा सा ग्रे कलर का प्रिंट है जहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख जाती है फ्लेयर की। तो इसको आप ऐसे इजीली ओपन करके इसकी रिफ़िल चेंज कर सकते हो। तो ये जो पेन है थोड़ा सा आपको कम लुक्स वाला और कम डिज़ाइन वाला पेन देखने के लिए मिल जाता है, तो अगर आपको नॉर्मल पेन्स पसंद है, ज़्यादा डिज़ाइनर पेन्स पसंद नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फाइन निब देखने के लिए मिल जाती है। तो चलो एक एक करके सारे पेन से लिख के देखते हैं और आपको बताते हैं कि बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हमने डॉम्स का इंक्स ऑन पेन लिया, जो कि चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और इस रिव्यू से मैंने इसको 1 वीक पहले से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। 1 हफ्ता मैंने इसको खुद यूज़ करके देखा, ये पेन चलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट और एक नया बॉल पेन ट्राई करना है तो मेरी तरफ से डॉम्स का इंक्स ऑन टोटली रिकमेंडेड है, सुपर स्मूथ पेन है, आप इसको ब्लैक ब्लू दोनों कलर में ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है क्लासमेट का ये स्पिन पेन। तो ये पेन भी चलने में सुपर स्मूथ है और क्लासमेट तो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट से प्रोवाइड करता है, तो अगर आप एक और नया पेन ट्राई करना चाहते हो तो आप क्लासमेट का स्पिन पेन भी ट्राई कर सकते हो। ये पेन चलने में काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें आपको ग्रिप भी देखने के लिए मिल जाती है।
तो लास्ट में बात कर लेते हैं फ्लेयर के चार्जर पेन की। ये भी चलने में सुपर स्मूथ है और इंक भी काफ़ी डार्क है, तो आप ये वाला पेन भी ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो ये तीनों पेन मुझे चलने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, और अगर आपने इनको एग्ज़ाम में यूज़ करना है आप इनको एग्ज़ाम में भी लेके जा सकते हो, ये तीनों पेन काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिव्यू जो कि नए नए बॉल पेन अभी मार्केट में आए हुए हैं 5 और 10 रुपीज़ के, जो स्टूडेंट्स के लिए इजीली अफोर्डेबल होते हैं। तो अगर आप एक ऐसी ही वीडियो जेल पेन्स के लिए भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।